पर जो हेयरिंग थी वो तमाम पजीर हुई। आज आखिरी हेयरिंग थी जिसमें फासिल जजेस ने हमारे जो मोहतरम ऑनरेबल शुक्ला थे उनकी बहस को सुना। सुल्तान अकरम राजा ने और फैसल सदीकी ने बड़ी ज़बरदस्त बहस की और आवाम की मंगों को बड़े खूबसूरत तरीके से उजागर किया। मैं समझती हूँ कि ये जो मखसूस नशस्तें हैं ये बहुत ख़ास नशस्तें हैं, ये उस तबके को की नुमाइंदगी करते हैं जो कि पसमानदा तबके हैं, जो जिनकी नुमाइंदगी असम्बलियों में होना बहुत ज़रूरी होती है ताकि उनके मसाइल जो हैं उनका हल निकाला जाए। तो मेरी हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो फासिल जजेस हैं वो एक ऐसा इंसाफ पे मबनी फैसला करेंगे जिसमें ये सीटें उस जमात को मिलेंगी जिन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन जीता और दो तहाई अक्सरियत से इलेक्शन जीता। मैं समझती हूँ पीटीआई का ये हक है, ये उनको सीटें मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो इन्होंने ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन ने एक गलत इंटरप्रटेशन करके पीटीआई के जीते हुए एमएलएस को और एमपीएस को सुन्नी तहाद में धकेल दिया, मैं समझती हूँ कि ये उनकी सरासर की ज्यादती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे किया कि ये इलेक्शन कमीशन जो थी इसने गलत इंटरप्रटेशन की है। और हमें उम्मीद है फासिल जजेस से कि वो इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। हमारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं और दुआ गो हैं कि खुदा ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा और मुस्तैद फैसला करेगा।